तीन भुवन में वीतराग विज्ञान शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रयोग संहारिकै नमहु त्रयोग संहारिकै नमहु त्रयोग संहारिकै जय जिनेंद्र छड़ाला की पाठशाला कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। अब तक हमने अरंत दशा बनने का मार्ग समझा, आज हम समझेंगे कैसे जीव अरंत से सिद्ध बनता है। मंगलाचरण करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सहस्राणम। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारिके। जब लो महावीर भगवान की जय, अनंतानंत सिद्ध परमेश्वर भगवान की जय। अब तक हमने समझा कि कैसे शुद्धोपयोग के प्रभाव से जीव अनंत अवस्था को प्राप्त करता है, आज हम समझेंगे कैसे जीव अनंत से सिद्ध बनता है। सिद्ध बनने के लिए अनंत होना अनिवार्य है। जो अनंत बनते हैं वे जीव जब उनकी आयु पूरी होती है तो वे सिद्ध बन जाते हैं। अनंत से सिद्ध बनने के लिए कोई नवीन पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं है। अनंत अवस्था में चार घातिया कर्मों का क्षय है, चार अघात्या कर्म अभी उनके शेष हैं। कौन कौन से चार अघात्या कर्म अभी बचे हैं? नाम, आयु, गोत्र और वेदनी। तो इनमें आयु कर्म जो शेष है उसके कारण अभी उनका जीवन बचा है। वे ही अनंत भगवान जब तक आयु कर्म के उदय है तब तक वे इस लोक में रहते हैं, अर्थात मनुष्य लोक में विचरण करते हैं, भव्य जीवों को मोक्ष का मार्ग बताते हैं। और जब उनके आयु कर्म का अभाव हो जाता है तब वे इस शरीर को छोड़कर और लोक के अग्रभाग में जाकर विराजमान हो जाते हैं, अर्थात सिद्ध बन जाते हैं। आइए हम दौलत राम जी के शब्दों में देखते हैं क्या है सिद्ध बनने की विधि। पुनि घाति शेष अघाति विधि छिन्न माही अष्टम भू बसे वसु कर्म विन से सुगुण वसु सम्यक्त आदिक सबल से संसार खाला पार पारा वार तिर तिर ही गए अविकार अचल स्वरूप सुचि चिद्रूप अविनाशी थे। भावार्थ। वे शेष चार अघातिया कर्मों को भी क्षण भर में नष्ट करके मोक्ष को चले जाते हैं। आठ कर्मों के नष्ट होने से उनमें सम्यकत्व आदि आठ गुण शुभायमान होने लगते हैं। वे संसार रूपी खारे और अपार समुद्र को पार करके किनारे पर पहुंच जाते हैं और निर्विकार शरीर रहित शुद्ध चैतन्यमय अविनाशी सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। पुनि घाति शेष अघाति विधि। पुनि अर्थात पुनः, अर्थात घातिया कर्मों के अभाव होने के बाद पुनः। घाति शेष अघाति अर्थात शेष जो अघाति कर्म बचे हैं उनका भी घात करके। वास्तव में अघाति कर्मों का घात करने के लिए कुछ नहीं किया जाता। अघाति कर्मों का घात आयु कर्म के साथ स्वयमेव हो जाता है। कभी आयु कर्म की स्थिति कम हो और शेष तीन अघात्या कर्मों की स्थिति अधिक भी हो तो वे अनंत परमेष्टि समुद्घात करते हैं और समुद्घात के द्वारा तीन अघात्या कर्मों की स्थिति को आयु के समान कर लेते हैं।
और चारों कर्मों का युगपत क्षय करके सिद्ध दशा को प्रकट करते हैं। क्या होता है ये समुद्घात? समुद्घात कहते हैं, समुद्घात की परिभाषा है, मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेशों के बाहर निकलने को समुद्घात कहते हैं। अर्थात आत्मा के प्रदेश जब मूल शरीर को छोड़े बिना बाहर निकलते हैं तब उसी को हम कहते हैं समुद्घात। यदि मूल शरीर को भी छोड़ देंगे आत्मा के प्रदेश तो मरण हो जाएगा, लेकिन मरण नहीं होता, केवल आत्मा के प्रदेश मूल शरीर के अंदर भी रहते हैं और बाहर निकलते हैं, जब वे बाहर फैलते हैं तो उसे हम कहते हैं समुद्घात। तो अनंत परमेष्टि के जब तीन अघात्या कर्मों की सत्ता अधिक होती है और आयु कर्म के निषेक कम होते हैं, ऐसी स्थिति में उनका केवली समुद्घात होता है। उस केवली समुद्घात के द्वारा वे तीन अघात्या कर्मों की स्थिति को भी आयु के समान कर लेते हैं। तो इस प्रकार से चारों अघात्या कर्मों का क्षय करके जब आयु का क्षय होगा तब तीन अघात्या कर्मों का भी क्षय हो जाएगा। तो चारों अघात्या कर्मों का एक साथ क्षय करके पुनः घाति शेष अघाती विधि अर्थात पुनः शेष अघात्या विधि अर्थात कर्म शेष अघात्या कर्मों का घात करके छिन्नमाही अष्टम भू बसे अर्थात एक समय में वे अष्टम पृथ्वी जो आठवीं पृथ्वी है ईषत प्राग्भार नाम की उस पर वे विराजमान हो जाते हैं। पुनि घाति शेष अघाति विधि छिन्नमाही छिन्नमाही अर्थात एक समय में वे अष्टम पृथ्वी पर जाकर विराजमान हो जाते हैं। आठवीं पृथ्वी होती है, आठवीं पृथ्वी के ठीक मध्य में 45 लाख योजन प्रमाण सिद्ध शिला होती है। उस सिद्ध शिला के भी ऊपर तीन वात वलय होते हैं, उसमें जो अंतिम तनु वात वलय है उस तनु वात वलय के सबसे ऊपर ही ऊपर जाकर सिद्ध भगवान विराजमान हो जाते हैं। वास्तव में सिद्ध भगवान सिद्ध शिला के ऊपर नहीं रहते, सिद्ध शिला के भी ऊपर जो तीन वात वलय है उन वात वलयों में भी जो अंतिम तनु वात वलय है सिद्ध भगवान का निवास स्थान वहां है। अनेक लोग ये मानते हैं कि सिद्ध शिला पे भगवान है, सिद्ध शिला पे भगवान नहीं, भगवान तो सिद्ध शिला के ऊपर जो घनोदधि वात वलय है घनवात वलय उसके भी ऊपर जो अंतिम तनुवात वलय है उस तनुवात वलय के अंदर विराजमान होते हैं। तनुवात वलय भी 1575 धनुष का होता है, 1575 धनुष में सिद्ध भगवान तो मात्र 1.05 धनुष के स्थान पर ही रहते हैं, बाकी 1573.95 धनुष का क्षेत्र खाली है। तो इस प्रकार से अनंत परमेष्टि आयु का क्षय होने पर लोक के अग्रभाग में विराजमान हो जाते हैं। यदि अनंत और सिद्ध भगवान की परिभाषा हम ग्रंथ के आधार से कहें तो अनंत भगवान की परिभाषा इस प्रकार कही है कि जो गृहस्थ अवस्था त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके निस्वभाव साधन द्वारा चार घातिया कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय स्वरूप विराजमान हुए वे अनंत परमेष्टि है। अर्थात सर्वप्रथम मुनि अवस्था अंगीकार करी, मुनि अवस्था कैसे अंगीकार की तो गृहस्थ अवस्था को त्यागा, गृहस्थ पने को त्यागा, गृहस्थ पना त्याग कर और मुनि धर्म अंगीकार करके क्या किया, निस्वरूप की साधना। निस्वरूप की साधना के फल से क्या हुआ, चार घातिया कर्मों का क्षय, चार घातिया कर्मों के क्षय के फलस्वरूप अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत सुख अनंत वीर प्रकट हुआ, अनंत चतुष्टय जिन्हें प्रकट हुआ वे कहलाते हैं अनंत परमेष्टि। वही अनंत परमेष्टि कुछ समय बाद शेष चार अघाती कर्मों का भी क्षय होने पर लोक के आगे भाग में जाकर किंचित न्यून पुरुषाकार विराजमान हो जाते हैं। उनके न द्रव्य कर्म होते हैं, आठों प्रकार के कर्म नहीं होते, मोह राग द्वेष रूपी भाव कर्म नहीं होते और शरीर का भी अभाव हो जाता है, अर्थात वे शरीर रहित सिद्ध भगवान हो जाते हैं और उन्हें समस्त परद्रव्यों का संबंध छूट जाता है। इस प्रकार से अनंत अवस्था में तो शरीर था, सिद्ध भगवान में अशरीरी अवस्था रूप में अनंत सुख को भोगते हैं। आगे और हम सिद्ध भगवान का क्या स्वरूप है इसको एक अल्पविराम के बाद समझेंगे। जय जिनेन्द्र छहड़ाला की पाठशाला कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है। अनंत से सिद्ध भगवान बनने की प्रक्रिया समझाई जा रही थी, हमने अनंत भगवान की परिभाषा कही थी। सिद्ध भगवान की परिभाषा अनंत बनने के बाद की है, अर्थात अनंत तक की परिभाषा तो समान है, जो मुनि धर्म जो गृहस्पना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर
इस स्वभाव साधन द्वारा चार घाती कर्मों का क्षय करके पश्चात कुछ काल बाद चार अघाती कर्मों का भी क्षय करके लोक के अग्रभाग में किंचित न्यून पुरुषाकार विराजमान हो गए हैं, जिनके द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौकर्म का सर्वथा अभाव हो गया है और जिन्हें समस्त परद्रव्यों का संबंध छूट गया है, जिनके समस्त आत्मिक गुण प्रकट हो गए हैं, उन्हें कहा जाता है सिद्ध भगवान। अनंत भगवान के चार अनंत चतुष्टय प्रकट होते हैं और सिद्ध भगवान के आठ गुण प्रकट होते हैं। आत्मिक गुण अनंत भगवान के चार है और आत्मिक गुण सिद्ध भगवान के आठ है। अनंत भगवान के वैसे 46 मूल गुण कहे जाते हैं, लेकिन 46 में से असली मूल गुण चार ही है जो कि आत्मा से संबंध रखते हैं। बाकी 42 मूल गुण बहिरंग विभूति से और शरीर से संबंध रखने वाले हैं। इस प्रकार से अनंत भगवान के चार घातिया कर्मों के क्षय पूर्वक चार कर्म प्रकट थे और वही अनंत भगवान शरीर का भी जब अभाव हो जाता है तो वे अशरीरी रूप में सिद्ध अवस्था में अनंत काल के लिए लोक के अग्रभाग में विराजमान हो जाते हैं। उनके आठ गुण प्रकट होते हैं। कौन कौन से वे आठ गुण? एक तो है क्षयिक सम्यक, दूसरा है अनंत दर्शन, तीसरा है अनंत ज्ञान, चौथा है अनंत वीर और इसके अलावा चार अघातीय कर्मों के क्षय पूर्वक चार गुण और प्रकट होते हैं, जिसको कहा है वसु कर्म विन से सुगुण वसु सम्यक आदिक सब लसे। वसु कर्म, वसु अर्थात आठ, आठ कर्म उनके नष्ट हो गए। वसु कर्म विन से सुगुण वसु और जो अच्छे अच्छे गुण हैं, ऐसे अच्छे गुण आठ प्रकार के, सुगुण वसु अर्थात आठ, आठ अच्छे गुण अर्थात आठ उत्कृष्ट गुण। कौन कौन से वे उत्कृष्ट गुण? सम्यक आदिक सब लसे अर्थात छायिक सम्यक, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर आदि और भी जो गुण है, अनंत अनंत गुण, वो सब प्रकट हो गए। चार गुण को तो हमने नाम गिनाए, चार अघातिया कर्मों के क्षय के फलस्वरूप चार गुण और प्रकट होते हैं। उदाहरण के लिए आयु कर्म के अभाव पूर्वक उन्हें अवगाहनत्व गुण प्रकट होता है। अवगाहनत्व अर्थात पहले जब तक शरीर अवस्था में अनंत परमेष्टि थे तब तक उस स्थान पर कोई दूसरा बस नहीं सकता था, क्योंकि उनका शरीर बादर था। बादर शरीर अन्य जीवों को उस स्थान पर आने से रोकता है और स्वयं भी किसी से बाधित हो सकता है। पहले बादलपना था, अब शरीर का भी अभाव हो गया, तब सूक्ष्म आत्मा के प्रदेश वहां पर लोक के अग्रभाग में विराजमान हो गए और जहां पर एक सिद्ध है वहीं अनंतानंत सिद्ध विराजमान हो सकते हैं। एक सिद्ध में अनंत अनंत सिद्ध रहते हैं क्योंकि उनमें अवगाहनत्व गुण है, अर्थात एक सिद्ध अपने अंदर अनंत सिद्धों को अवगाहन देने का गुण धारण करते हैं। इस प्रकार से आयु कर्म के अभाव में अवगाहनत्व गुण और गोत्र कर्म जो कि जीवों को ऊंचा और नीचा बनाता है, उच्च गोत्र के कर्म के उदय से ऊंचा होता है, नीच गोत्र के उदय से नीचा होता है। जब गोत्र कर्म का भी अभाव हो गया तो अब वे न ऊंचे रहे न नीचे रहे, अर्थात न वे गुरु है न वे लघु है। गुरु अर्थात बड़ा, लघु माने छोटा, तो न उन्हें अब गुरुपना होता है न लघुपना होता है। गोत्र कर्म संसार के अंदर ऊंच नीच कुल से होता है। अनंत सिद्ध बनने के बाद में किसी प्रकार का कोई कुल नहीं होता, जिनके कुल नहीं होता उनके ऊंच नीच कुल का संबंध नहीं होता, इसलिए उनके जो गुण प्रकट होता है उसका नाम है अगुरु लघु। तो गोत्र कर्म के अभाव से प्रकट हुआ अगुण लघु गुण। इसके बाद में वेदनी कर्म, वेदनी कर्म जीवों को सुख दुख की प्राप्ति कराता है। वेदनी कर्म आत्मिक सुख में बाधा उत्पन्न करता है। तो जब वेदनी कर्म का भी अभाव होता है तो अनंत भगवान से जब वे सिद्ध बनते हैं तब उन्हें अव्यवाद गुण प्रकट होता है, अर्थात सिद्धों के वेदनी कर्म के अभाव पूर्वक अव्यवाद सुख हुआ है। अव्यवाद सुख माने जिस सुख में अब अनंत काल तक कभी कोई बाधा पड़ने वाली नहीं है। और अगला कर्म है नाम कर्म। नाम कर्म शरीर की रचना में निमित्त होता है। नाम कर्म के अभाव में सूक्ष्मत्व गुण प्रकट होता है। जब तक नाम कर्म का संबंध था तब तक शरीर था, शरीर स्थूल होता है, शरीर के निमित्त से आत्मा भी पकड़ में आता है, लेकिन जब शरीर का भी अभाव हुआ तो आत्मा अमूर्तिक रूप में विराजमान हो गया, अर्थात अब आत्मा का जो सूक्ष्मत्व गुण था, सूक्ष्मत्वपना था, वो प्रकट हो गया। तो नाम कर्म के अभाव से सिद्ध भगवान के सूक्ष्मत्व गुण प्रकट होता है। इस प्रकार से चार अघाती कर्मों के अभाव से चार और नए गुण प्रकट होते हैं। अनंतों में चार गुण तो थे ही, चार अनंत चतुष्ट है। अब जब वे सिद्ध बनते हैं अनंत भगवान तो उनमें चार अघाती कर्मों के अभाव से चार नए गुण प्रकट होते हैं। उन चार कर्मों के, चार गुणों के नाम है
नाम कर्म के अभाव से होने वाला सूक्ष्मत्व गुण, वेदनी कर्म के अभाव से होने वाला अव्यवागत्व गुण, गोत्र कर्म के अभाव से होने वाला अगुण लघुत्व गुण और आयु कर्म के अभाव से होने वाला अवगहनत्व गुण। इस प्रकार से चार गुण प्रकट होते हैं, जिसे कहा है वसु कर्म विन से सुगुण वसु सम्यक् आदिक सब लसे। आगे प्रेरणा दिए संसार खारा पार पारा वार तिर तिर ही गए अविकार अचल स्वरूप शुचि चिद्रूप अविनाशी थे। संसार खारा पार पारा वार, अर्थात ये संसार अत्यंत दुखमय है। जैसे समुद्र का जल खूब खारा होता है, ऐसे संसार समुद्र अत्यंत खारा अर्थात अत्यंत दुखमय है। धन्य है वे जीव जिन्होंने इस संसार समुद्र को पार करके और सिद्ध अवस्था प्रकट की अर्थात अनंत सुख प्रकट किया। संसार खारा पार अर्थात संसार अत्यंत दुखों से भरा हुआ है और इसका कोई पार नहीं है। अनादिकाल से हम जीव संसार में घूम रहे हैं और इसका कोई आड़ छोड़ नहीं दिखता, अर्थात संसार का अभाव होता हुआ, संसार का अंत होता हुआ दिखाई नहीं देता। ऐसा अपरंपार ये संसार है। इस अनादिकाल से संसार में जीव पंच परावर्तन करता आया है, अनंत द्रव्य परावर्तन, अनंत क्षेत्र, अनंत काल, अनंत भव और अनंत भाव परावर्तन किए। अनंतानंत सागर इस जीव ने इस संसार में व्यर्थ ही खोए हैं। ऐसे इस असार संसार में, ऐसे इस खारावार और अनंत संसार के अंदर, संसार खारा पार उसको जिन्होंने पार पा लिया अर्थात जिन्होंने उस संसार का अभाव कर दिया, संसार खारा पार पारावार तिर अर्थात ऐसे संसार को जो तिर गए, तिर ही गए, तिर के मोक्ष अवस्था को प्राप्त हो गए। और कैसे हो गए वे? अविकार अर्थात किसी प्रकार का विकार उनके नहीं रहा। और उन सिद्ध भगवान की क्या क्या विशेषता होती है इसको हमें कल्प राम के पास। जय जिनेन्द्र छहड़ाला की पाठशाला कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है। हम सिद्धों के गुणों की चर्चा कर रहे थे और ये चर्चा कर रहे थे कि धन्य है वे जीव जिन्होंने कि इस अपार संसार को पार करके सिद्ध अवस्था प्रकट की है, जिन्होंने अनादि संसार का अभाव करके, जन्म मरण का अभाव करके, अनंत दुख का अभाव करके अनंत सुखरूप सिद्धत्व दशा प्रकट की है। धन्य है वे जीव। कैसे हैं वे जीव? अविकार है अर्थात उनमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है। आत्मा की पूर्ण शुद्ध अवस्था प्रकट हुई है, अनंत शुद्धता प्रकट हुई है। सिद्ध अवस्था अर्थात आत्मा की शुद्ध अवस्था, तो वे अविकारी है अर्थात उनमें किसी प्रकार का विकार नहीं है। मोह राग द्वेष का विकार नहीं है, कर्मों का विकार नहीं है, शरीर का विकार नहीं है। अविकार अचल, और वे अचल अर्थात कहीं उस अपने स्वरूप से चलायमान होने वाले नहीं है, अपने आत्मस्वरूप से अब अनंत काल के लिए चलायमान होने वाले नहीं। वे जिस आत्मस्वरूप में लीन हुए हैं, जिस आत्मा के सुख को भोग रहे हैं, उस आत्मा के सुख से अब वे अनंत काल तक डिगने वाले, च्युत होने वाले नहीं। जो जीव एक बार अमृत का स्वाद लेता है, क्या वह खारो का क्या वह लवण समुद्र के खारे पानी को पीना चाहेगा? उसी प्रकार एक बार जीव सिद्ध बनने के बाद अब पुनः कभी संसार के दुखों को, संसार की तरफ आने को अनंत काल में कभी पसंद नहीं करता। और जो उनके संसार में आने के कारण रूप जो बीज है अर्थात कर्म है, वो कर्म का भी अभाव हो गया, तो वे अनंत काल तक एक जैसे ही सिद्ध अवस्था में बने रहेंगे। अविकार अचल अर्थात वे चलायमान होने वाले नहीं है, अविकार अचल स्वरूप, अचल स्वरूप में रहने वाले, शुचि और कैसे हैं वे? अत्यंत पवित्र। चिद्रूप अर्थात चैतन्य स्वरूप है उनका, आत्मा पूर्ण चैतन्यमय हो गया है। आत्मा के एक एक प्रदेश में केवल ज्ञान है, उस केवल ज्ञान के द्वारा वे तीन लोक तीन काल को जानते हैं और अपने आत्मस्वरूप में निरंतर मग्न रहते हैं। वे ऐसे आत्मस्वरूप में डूब गए हैं जैसे कि नमक पानी के अंदर घुल जाता है। नमक एक बार पानी में मिल गया तो उस नमक को पानी से अलग नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार एक बार जो जीव अपने स्वरूप में लीन होकर अपने आत्मिक सुख को भोगता है,
वह पुनः उस आत्मिक सुख से कभी अनंत काल के लिए भी बाहर आना पसंद नहीं करता। वह कभी भी आत्मिक सुख से बाहर नहीं आते। जो अनंत परमेष्टि अनंत अवस्था अनंत केवल ज्ञान को प्राप्त किया है, उसके बाद जब वो सिद्ध बन गए तो सिद्ध भगवान अपने आत्मस्वरूप में ऐसे मगन है कि उनका उपयोग अनंत काल में भी कभी बाहर जाने वाला नहीं है। अविकार अचल स्वरूप शुचि चिद्रूप अविनाशी थे, अर्थात वे सिद्ध भगवान अविनाशी है, उनका कभी नाश होने वाला नहीं है। नाश तो वैसे भी किसी जीव का नहीं होता, लेकिन उनकी उस सिद्ध अवस्था का भी कभी नाश होने वाला नहीं है। हम आपकी जो संसार अवस्था है वो तो नियम से नाश होगी। आज हम मनुष्य है, इस मनुष्य अवस्था का नियम से नाश होगा। जो देव है उसकी देव पर्याय का अवश्य नाश होगा, अर्थात देव पर्याय, मनुष्य पर्याय, तिर्यंच पर्याय, नरक पर्याय, ये चारों अवस्थाएं क्षण भंगुर है, चारों गतियां अनित्य है, क्षण भंगुर है, अस्थाई है। लेकिन सिद्ध अवस्था शाश्वत है, नित्य है, स्थाई है। इसलिए ऐसी स्थाई अवस्था को वे प्राप्त कर लेते हैं कि जिसका कभी भी अभाव होने वाला नहीं है। अवस्था सिद्ध अवस्था एक बार प्राप्त होने के बाद कभी भी नष्ट नहीं होती। आत्मा तो अजर अमर है, आत्मा का कभी नाश नहीं होता, लेकिन आत्मा की जो संसार रूप पर्याय है वे निरंतर बदलती है और नियम से एक मनुष्य पर्याय, एक देव पर्याय, नरक पर्याय, तिर्यंच पर्याय, ये चारों पर्याय आपस में बदलती रहती है। अर्थात ये चारों प्रकार की गतियां क्षण भंगुर है, नाश होने वाली है, लेकिन सिद्ध अवस्था अनंत काल तक बनी रहती है। कभी सिद्ध अवस्था प्रकट होने के बाद में नष्ट नहीं होती। सिद्ध अवस्था अविनाशी अवस्था है, अनंत काल तक एक रूप रहने वाली अवस्था है। यद्यपि सिद्ध में भी परिणमन तो है, लेकिन एक सा परिणमन है। सिद्ध अवस्था में भी बदलाव होता है, लेकिन सिद्ध से सिद्ध अवस्था में ही बदलाव होता है। सिद्ध अवस्था से कभी संसार अवस्था में आना नहीं होता। जो एक बार सिद्ध बन जाता है वह पुनः कभी लौट के संसार में नहीं आता। कई लोग ये कहते हैं कि एक बार तो आना ही पड़ेगा, लेकिन भगवान पुनः संसार में लौट के नहीं आते। जैन दर्शन में भगवान एक बार सिद्ध होने के बाद में पुनः संसार में नहीं आते। भगवान तो सिद्ध अवस्था में अपने आत्मिक सुख को भोगते हैं और अनंत काल तक वहीं रहते हैं। जीव उसी समय इस संसार में भटकता है और सिद्ध भगवान उसी समय अपने आत्मिक सुख को भोगते हैं। वास्तव में तो संसार अवस्था वाला जीव भी शाश्वत है और मोक्ष अवस्था वाला जीव भी शाश्वत है, लेकिन संसार अवस्था वाला जीव संसार में चारों गतियों में रखड़ के दुख भोगता है, और सिद्ध अवस्था में जो जीव बसते हैं वे सिद्ध भगवान सिद्ध अवस्था के अंदर रहकर अनंत आत्मिक सुख का पान करते हैं। इस प्रकार से यहां तक हमने सिद्ध अवस्था तक की दशा को समझा। जो जीव अनादिकाल से नित्य निगोद में था, वो नित्य निगोद से कैसे चलकर धीरे धीरे अपनी यात्रा तय करता हुआ, कैसे वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चैत को प्राप्त करके, और कैसे वे मुनि अवस्था को अंगीकार करके, अनंत अवस्था को प्राप्त करके कैसे सिद्ध बनता है, इसकी चर्चा हमने की। दुनिया के अंदर अनेक प्रकार की पिक्चरें होती है, और पिक्चरों का जो अंत होता है वो ऐसा अंत होता है कि कोई एक लड़का किसी लड़की से मिलता है, उन दोनों की शादी होती है और पिक्चर का अंत हो जाता है। लेकिन वास्तव में वो जो अंत है वो अंत नहीं है, वो तो वास्तव में दुख की कहानी का प्रारंभ है। लेकिन जैन दर्शन की पिक्चर ऐसी है कि जो नित्य निगोद रूपी दुख से प्रारंभ होती है और सिद्ध अवस्था रूपी स्थान पर समाप्त होती है, अर्थात अनंत दुख से प्रारंभ होकर अनंत सुख रूपे स्थान पर जाकर समाप्त होती है। वास्तव में सबसे असली पिक्चर और सबसे बढ़िया पिक्चर यदि कोई है तो वह छहड़ाला की पिक्चर है, जिस छहड़ाला की पिक्चर के अंदर अत्यंत दुखरूप अवस्था से निकालकर जीवों को अत्यंत सुखरूप अवस्था में पहुंचने का मार्ग दिखाया गया है। कैसे जीव अनंत संसार के अंदर पड़ा था, नित्य निगोद में 18 बार जन्म मरण कर रहा था, और कैसे वो अपना पुरुषार्थ करते करते आगे बढ़ते बढ़ते किस प्रकार से वह अनंत संसार का अभाव करते हुए और अनंत सिद्ध दशा को प्रकट करता है, इसका बहुत बढ़िया वर्णन है। दुनिया के अंदर जितनी कहानियां हैं उन कहानियों का अंत कहीं सुखद नहीं है, लेकिन ये जो मोक्ष मार्ग की कहानी है इस कहानी का अंत अत्यंत सुखद है। वास्तव में कहानी वही होती है जहां दुख का अभाव हो जाता है,
और सिद्ध अवस्था ऐसी अवस्था है जहाँ समस्त दुखों का अभाव हो जाता है और ऐसा शाश्वत सुख प्राप्त होता है जिस शाश्वत सुख का कभी अभाव नहीं होता। हम आप सभी ऐसे शाश्वत सुख को प्राप्त करें। इस छहड़ाला के माध्यम से हम आप सब सिद्ध दशा को प्राप्त करें। इसी भावना के साथ आज की बात समाप्त करते हैं। कल हम आगे का दोहा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी देखिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। पाठशाला सार। सिद्ध भगवान समस्त कर्मों का अभाव कर पूर्ण शुद्ध हो जाते हैं एवं वे पुनः संसार में नहीं भटकते हैं। प्रत्येक जीव में सिद्ध बनने की शक्ति है। हमें उस शक्ति को प्रकट करने का पुरुषार्थ करना चाहिए।